इमेजिन कीजिए हमारे सामने ये दो टैंक रखे हैं और इन टैंक्स के अंदर कोई सब्सटेंस है। सब्सटेंस हो सकता है ऑयल, गैस या वाटर, जिसको हमें ट्रांसफर करना है एक टैंक से दूसरे टैंक तक। और इन सब्सटेंस को ट्रांसफर करने के लिए हमें चाहिए होगा एक मीडियम। सो हमारे लिए पाइप एक ऐसा मीडियम होगा जिसका यूज करके हम कोई भी फ्लूइड्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं एक टैंक से दूसरे टैंक तक, या सिंपली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और इन्हीं पाइप्स को जब हम कई कंपोनेंट से अटैच करेंगे तो हम उसे कहेंगे पाइपिंग। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाइपिंग ड्राइंग्स क्या होते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइपिंग ड्राइंग्स के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। सो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि पाइपिंग किस लिए यूज होता है, अब हम डिस्कस करेंगे पाइपिंग ड्राइंग्स क्या होते हैं। सो बेसिकली पाइपिंग ड्राइंग एक ब्लूप्रिंट देता है जो बताता है किस किस्म के पाइप, फिटिंग, वॉल्व, फ्लैंजेस किसी भी सिस्टम में यूज होते हैं, ताकि हम इजीली फ्लूइड को ट्रांसफर कर सके बिना कोई प्रॉब्लम के। और हर एक डिटेल्स को एक्यूरेटली प्रेजेंट करना भी जरूरी होता है, ताकि कंस्ट्रक्शन या फैब्रिकेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। चलिए अब डिस्कस करते हैं पाइपिंग ड्राइंग्स कितने टाइप के होते हैं। सो इनमें पहला है पाइपिंग प्लान ड्राइंग या सिंपली प्लान ड्राइंग। अगर इस ड्राइंग को आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये एक ओवरऑल लेआउट प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि कैसे पाइप डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक। इस ड्राइंग को हम सिंपली बर्ड्स आई व्यू भी बोल सकते हैं। सो दूसरा है पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ड्राइंग। इस ड्राइंग का शॉर्ट फॉर्म है p&id। इस ड्राइंग के नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे ड्राइंग में पाइपिंग एज वेल एज इंस्ट्रूमेंटेशन का इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। इंस्ट्रूमेंटेशन वो डिवाइसेस होते हैं जो पाइप के अंदर के फ्लूइड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताता है, जैसे कि पाइप के अंदर के फ्लूइड का टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो एक्सेट्रा। p&id एक स्कीमेटिक डायग्राम है जहाँ पर पाइप्स, वेल्व्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और इक्विपमेंट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये सिंबल्स कंपनी के स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि सऊदी अरबको के p&id सिंबल्स डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू अमेरिकन स्टैंडर्ड। सो डोंट गेट कंफ्यूज, जो भी ड्राइंग आपको दिया जाएगा उसके p&id सिंबल्स भी आपको दिए जाएंगे, उसको हम बोलते हैं p&id लेजेंड्स। सो तीसरा डायग्राम है प्रोसेस फ्लो डायग्राम। प्रोसेस फ्लो डायग्राम भी सिमिलर होता है p&id की तरह ही, लेकिन इसमें प्रोसेस के बारे में ज्यादा डिटेल्स में दिया जाता है। सो जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये एक एग्जांपल है रिफाइनरी प्रोसेस प्लांट का, जहाँ पे प्रोसेस फ्लो डायग्राम का यूज किया है। फोर्थ है आइसोमेट्रिक ड्राइंग। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग एक 3D रिप्रेजेंटेशन देता है पाइपिंग का। आइसोमेट्रिक ड्राइंग को यूजुअली फैब्रिकेशन प्रोसेस के टाइम पे यूज करते हैं। सो इसमें एक्यूरेटली पाइप और कंपोनेंट्स के डिटेल मिलेंगे बिल ऑफ मटेरियल में। फॉर एग्जाम्पल, किस टाइप का पाइप यूज होगा, पाइप का NPS क्या होगा, पाइप का शेड्यूल नंबर क्या होगा, और वेरियस कंपोनेंट्स जो यूज होंगे पाइपिंग को फैब्रिकेट करने के लिए। सो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है आइसोमेट्रिक ड्राइंग का और उसके बिल ऑफ मटेरियल का। सो दोस्तों, ये थे कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड पाइपिंग ड्राइंग जो कोई भी इंडस्ट्री में यूज होते हैं पाइपिंग को फैब्रिकेट और इंस्टॉलेशन करने के लिए। और भी कई ड्राइंग्स हैं, जैसे कि जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म है GAD ड्राइंग। आप अपने स्क्रीन पर उसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। सो इन पाइपिंग ड्राइंग्स को बनाने के लिए कई डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का यूज होता है। सो चलिए अब बात करते हैं पाइपिंग ड्राइंग्स को बनाने के लिए किन सॉफ्टवेयर्स का हम यूज करते हैं। सो पाइपिंग ड्राइंग्स को बनाने के लिए कई डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला है PDMS। PDMS यानी कि प्लांट डिजाइन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। इस सॉफ्टवेयर का यूज करके पाइपिंग को डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट है SP3D यानी कि स्मार्ट प्लांट 3D सॉफ्टवेयर। तीसरा है CAD यानी कि कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, और चौथा है AutoCAD, और लास्टली यूज होता है ऑटो प्लांट। सो ये कुछ कॉमन सॉफ्टवेयर्स हैं जिसका यूज करके पाइपिंग ड्राइंग्स को बनाया जाता है। और इन डिजाइन फेस में कई इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के प्रोफेशनल्स, जैसे कि पाइपिंग इंजीनियर्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स मिलकर ड्राइंग्स को क्रिएट करते हैं, ताकि इंस्टॉलेशन के वक्त कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और अगर आप लोग को पाइपिंग के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको किस सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए।
सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने समझा पाइपिंग ड्राइंग्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के पाइपिंग ड्राइंग्स होते हैं और इन पाइपिंग ड्राइंग्स को प्रिपेयर करने के लिए किन किन सॉफ्टवेयर्स का यूज होता है। सो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने कलीग्स के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।